उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। जैसा कि वीडियो के टाइटल से आपको पता ही चल गया होगा, ये वीडियो में हम थ्योरेटिकल वेट कैलकुलेट करेंगे पीजीआर का। पीजीआर मतलब पेडिस्टल गार्डरेल का, इसका हम लोग थ्योरेटिकल वेट कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले इसका ये पार्ट टू है वीडियो का। पार्ट वन मैंने बनाया था जिसमें एक्चुअल वेट कैलकुलेट किया था, और उसमें जो आप ड्राॅइंग देख रहे हैं इस ड्राॅइंग के पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्राइब किया था, थोड़ा सा इंट्रो दिया था इस ड्राइंग के बारे में, इसमें पार्ट के बारे में, और जो पीजीआर बना हुआ है बनने के बाद फिजिकल कैसा दिखाई देता है वो सब पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है। इस ड्राइंग में कौन कौन से कंपोनेंट है वो सब चीज़ें मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो वो आई बटन पर क्लिक करके आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं वो वीडियो को। उसमें थोड़ा सा डिस्क्राइब अब हो जाएगा और सारी चीज़ें उसमें, मतलब मोटी मोटी सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा। और इसमें भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल वेट कैलकुलेट करेंगे, और दो मेथड है थ्योरेटिकल वेट कैलकुलेट करने के। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ये दोस्तों, ये मैंने शीट ओपन कर लिया है जिसमें मैंने पिछली वीडियो बनाया था, एक्चुअल वेट कैलकुलेट किया था। एक एक्चुअल वेट इतना आया था, एक एक्चुअल वेट इतना आया था, इन दोनों का डिफरेंस ये निकाला हुआ था मैंने। अभी हम लोग थ्योरेटिकल वेट कैलकुलेट करेंगे, थ्योरेटिकल वेट और एक्चुअल वेट का फिर डिफरेंस देखेंगे क्या आता है। सबसे पहले हम लोगों ने एक ब्लैंक शीट ओपन कर लिया। ब्लैंक शीट में देखेंगे क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हमारे थ्योरेटिकल वेट कैलकुलेट करने के, तो वो चीज़ें को कॉलम बना लेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं पीजीआर वेट, इसका टाइटल आएगा, ठीक है। अब इसमें सीरियल नंबर जो हमारे आइटम रहेंगे उसके अकॉर्डिंग सीरियल नंबर डाल लेते हैं, फिर उसका स्पेसिफिकेशन, ठीक है। स्पेसिफिकेशन के बाद उसका एक हम लोग डिनोट कर देते हैं किस चीज़ को, हम उस मेंबर को डिनोट कर रहे हैं किस चीज़ से। फिर हो जाएगा नंबर्स, कितने नंबर है हमारी ड्राइंग में, वो आइटम कितने नंबर का है, वो उसका पार्ट, ड्राइंग का पार्ट या पीजीआर का पार्ट, वो कितने नंबर्स है वो हो जाएगा इसमें। फिर उसकी लेंथ हो जाएगी कितनी, उसकी लेंथ क्या है, ठीक है। फिर उसका यूनिट वेट डाल देंगे, यूनिट वेट मतलब पर मीटर वेट कितना है। फिर उसके बाद प्रॉपर लेंथ हो जाएगी और टोटल वेट हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी टोटल लेंथ, ठीक है। अब एक रिमार्क लिख लेते हैं अपना, ठीक है। यहाँ तक ऊपर वाले को मर्ज कर देते हैं अपना पीजीआर वेट को, ये मर्ज हो गया, ठीक है, ये मर्ज हो गया। देखते हैं कोई भी बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। वहाँ जाते हैं सीरियल नंबर, तो अपनी ड्राइंग ओपन करते हैं, उसमें देखते हैं पहला कौन सा आइटम है, तो फिर उस हिसाब से सीरियल नंबर डालते हैं जिसका हम एक्चुअल वेट कैलकुलेट करेंगे। इसी ड्राइंग के बेसिस पे एक्चुअल वेट थ्योरेटिकल वेट निकालेंगे, और इसी ड्राइंग के बेसिस पे एक्चुअल वेट हम पहले पार्ट में कैलकुलेट कर चुके हैं। जाइए तो उस पार्ट को देख लीजिएगा कैसे कैलकुलेट किया एक्चुअल वेट, इसी ड्राइंग का जो फिजिकल बना हुआ था साइड पर उसका एक्चुअल वेट निकाला था। अभी थ्योरेटिकल वेट निकालेंगे, तो थ्योरेटिकल वेट निकालने के लिए हम इसके मेंबर देख लेते हैं इसमें क्या क्या मेंबर है, ठीक है। तो पहले देखिए ये वाला एक वर्टिकल मेंबर है, एक ही वर्टिकल मेंबर है, और ये सारे वर्टिकल मेंबर है, ठीक है। ये सारे अपने वर्टिकल मेंबर हो गए, और दो हॉरिजॉन्टल मेंबर हो गए, ये और ये दो हॉरिजॉन्टल मेंबर हो गए। इसके अलावा हमारी एक बेस प्लेट लगी हुई है ये नीचे, ये सब मैं फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ, बेस प्लेट लगी हुई, ठीक है। सबसे पहले हम इन सब का नाम ले दे देते हैं, क्या क्या नाम है वो नाम दे देते हैं, तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। नाम दे देते हैं, तो इसको लिख देते हैं V1, हमारा हो गया वर्टिकल वन। ये सेम वर्टिकल वन ये भी है, सेम है इसके डायमेंशन, इसको भी वर्टिकल वन लिख देते हैं, और इनकी डायमेंशन अलग है उससे, तो इसको वर्टिकल टू लिख देते हैं,
और ऊपर वाले के डाइमेंशंस वो मेंबर अलग है उसको हॉरिजॉन्टल 1 लिख देते हैं, और नीचे वाले का मेंबर अलग है उसको हॉरिजॉन्टल 2 लिख देते हैं। ये सब माइल्ड स्टील से बना हुआ है और बेस प्लेट को बेस प्लेट ही लिख कर रहने देते हैं, ठीक है। बेस प्लेट हो जाती है हमारी के लिए बेस प्लेट लिख देते हैं, ये होगी बेस प्लेट, ठीक है। ये हम लोग अब यही यही चीज़ हम अपनी एक्सेल शीट में जो हमने फ्रेश बनाया है उसमें जाके एंट्री कर लेते हैं, जो डिनोट किया हुआ है हम लोगों ने यहाँ पर। ये वर्टिकल 1 2 दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल 1 दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल 2 दिया हुआ है, फिर एक फेस प्लेट दिया हुआ है, ठीक है। अब इनके स्पेसिफिकेशन क्या क्या है वो हम लोग ड्राॅइंग में देखेंगे कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन है इसके। जो हमने अपने ड्राॅइंग में डिनोट किया हुआ है उसका स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं, इस ड्राॅइंग में क्या क्या दिया हुआ है। जैसे V1 और V1 ये दोनों सेम है, ये देखिए दोनों एरो दिख रहा है आपको, ये दोनों के से पता चल रहा है दोनों सेम है। अभी इसका स्पेसिफिकेशन देखिए, ये देखिए V1 दिया हुआ है 50x50 और 3.2 मीटर, 3.2 mm ठीक है, 50 mm 50 mm x 2 mm ट्यूब है और 3.2 mm ये ठीक है। ये V1 का स्पेसिफिकेशन है, तो V1 का स्पेसिफिकेशन लिख लेते हैं 50x50 और 3.2 mm स्क्वायर फुट, 50x50x 3.2 mm स्क्वायर फुट, ठीक है। V2 का क्या है स्पेसिफिकेशन वो देख लेते हैं अपने ड्राइंग में। V2 है, ठीक है, V2 का ये एरो बना हुआ है, V2 दिया हुआ है, इसका है 25.4 20 square mm 2 है, 8 नंबर है, 3.25 mm ठीक है। इसका लिखते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं 25.4 × 3.25 × 3.25 mm² हो गया, ठीक है। हाँ, हम इसमें इसमें नंबर लिखना भूल गए, तो नंबर लिख लेते हैं। V1 कितना था? 2 था। V2 कितना दिया हुआ? 8 दिया हुआ है, ठीक है। अब H1 पे आते हैं हम अपने, ये देखिए H1 का स्पेसिफिकेशन ये दिया हुआ है, ये H1 का स्पेसिफिकेशन है 50x50 3.2, वही जैसे V1 का था वही स्पेसिफिकेशन H1 का भी है। तो H2 का देख लेते हैं नीचे आगे, H2 का क्या स्पेसिफिकेशन है, ये नीचे H2 का स्पेसिफिकेशन 38x38 3.25, यानी कि H1 का V1 की तरह है, H2 का अलग है, 38x38 3.25 मीटर, ठीक है। ये लिख लेते हैं अपनी एक्सेल शीट में, ये तो यही है, तो इसको कॉपी करके लिख देते हैं। और इसका है 38x38x3.25, ठीक है। H1 भी सिंगल है एक, H2 भी एक है एक। बेस प्लेट देख लेते हैं कितनी है अपनी, ये है अपनी बेस प्लेट। बेस प्लेट के स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है 100 × 100 × 4 mm, ठीक है। शीट है 100 × 100 × 4 mm ठीक। ये बेस प्लेट का मेजरमेंट और उधर मिक्सर शीट पे लिख लेते हैं, बेस प्लेट 100 × 100 × 4 mm बेस प्लेट हुआ। ये भी दो है, एक इस फुट पे एक दूसरे फुट पे, मतलब एक एक लेग लेग पे एक दूसरे लेग, PGR के दोनों लेग पे एक एक है लिख लिया, ठीक है। हम लोग आ जाते हैं लेंथ को, लेंथ कैलकुलेट करते हैं, यूनिट सॉरी यूनिट वेट यूनिट वेट, ठीक है। फिर लेंथ कैलकुलेट करते हैं, इसका सीरियल नंबर डाल लेते हैं, हम लोग V1 की लेंथ कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं V1 की लेंथ कितनी आ रही है। तो अपने देखिए V1 की लेंथ यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये V1 की लेंथ हो गई, ठीक है। ये दिया हुआ है देखिए, ये 300, ये फुटिंग के टॉप तक 300 है, उसके बाद ये 300 से ये 1210 पूरा, ये अपने वर्टिकल के टॉप तक,
ये हॉरिजॉन्टल वन के टॉप तक है, 300 ये हो गया, 1210 ये हो गया। देखो इसको अपनी शीट पे लिखते हैं, V1 वाली शीट पे लेंथ हो गया 300 × 1210। लेकिन आप एक चीज़ देख रहे हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल भी आ गया ऊपर वाला, जो स्पेसिफिकेशन देखा था 50 mm का था आपने देखा था ना, ये 50 mm को लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्टिकल तो यहीं तक गया, इसके बॉटम तक आया हुआ है, हॉरिजॉन्टल वन के बॉटम तक आया है वर्टिकल वन, इसके बॉटम तक ही लेंगे तो हम लोग फिर इसके बॉटम को माइनस कर देंगे अपने एक्सेल शीट में, जो 50 mm है वो माइनस कर लेते हैं एक्सेल शीट में, जैसे 10 था माइनस का 15, ये हो गया 1460। अब V2 देख लेते हैं कितना आ रहा है। V2 क्या है, ये देखिए ये आपको दिया हुआ है 1060, देखिए इसके H2 के बॉटम से लेके H1 के टॉप तक 1060 दिया हुआ है, तो और ये हमारा जो V2 है वो H2 के टॉप से H1 के बॉटम तक, यानी कि हम लोग अगर H1 और H2 का जो भी स्पेसिफिकेशन है, जितनी इसकी विड्थ है वो माइनस कर देंगे तो हमारा V2 निकल आएगा। तो ठीक है, तो टोटल है 1060 में ऊपर वाला 50 mm, नीचे वाला 38 mm माइनस कर देते हैं, ठीक है V2 निकल आएगा। तो 1060 इक्वल का साइन लगाएंगे, 1060 माइनस का 50 माइनस का 38, यानी 972 V2 की अपनी लेंथ आ गई। तो ये दो लेंथ निकल गई। अब हम देखेंगे H1 की लेंथ कैसे निकलेगी। अब देखिए H1 की लेंथ के लिए क्या करेंगे, देखिए H1 की लेंथ के लिए वर्टिकल के सेंटर टू सेंटर से 2 मीटर तो दिया हुआ है, सेंटर टू सेंटर 2 मीटर दिया हुआ है, और इसके बाहर का यानी कि ये 50 है, ठीक है, तो ये 25 और ये 25 मतलब 25 25, ये हो गया। अब ये वर्टिकल से कितना बाहर निकला हुआ है ये चीज़ हम लोग देखेंगे, ये कितना बाहर निकला हुआ है, ये दिख रहा है आपको, ये डिटेल है, हम अपने ड्राइंग में ढूंढेंगे कहाँ पर है, ठीक है, ये रही अपनी ये डिटेल है, ये ड्राइंग ये डिटेल ए है, डिटेल ए में आप ये देख रहे हैं 75.5 बाहर निकला हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक 75.5 है, ठीक है, ये जो हम लोगों ने इधर डिटेल खुली देखा था, ये जो डिटेल है आपने देखा था, ठीक है। अब हम लोग अपने उस पर आते हैं, जो 75.5 ये ले लिया, और उसके बाद ये 25 ये और 25 ये, दो 25 हो गए, दो 75.5 हो गए, ये और एक ये, दोनों को अपनी शीट में लिख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल वन के लिए हॉरिजॉन्टल वन मीटर प्लस 5 a 2 प्लस 75.5 के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं H2 पे, अभी H2 नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ पे आप सिमिलर सारी चीज़ें वैसे ही, बस यहाँ पे क्या चीज़ है, ये 50 का माइनस हो जाएगा क्योंकि ये थ्रू आउट ऊपर तक जा रहा है, ये अलग से जो 75.5 है ये अलग से ऐड किया गया है इसमें, ठीक है। जो आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में दिखाया था PDR फैब्रिकेटेड था उसमें ऐसा ही, ये जो वर्टिकल है ये थ्रू आउट जा रहा है, ये वर्टिकल ये थ्रू आउट है यहाँ पे, इसलिए ये 75 को हम लोग अलग कर देंगे, या जो H1 निकाला है उसी में हम लोग ये 50 ये और 50 ये माइनस कर देंगे, H2 निकल आएगा, जो भी H1 निकाला है जो ना उसे माइनस कर देते हैं 50 50, यानी कि 100, ठीक है, ठीक है, ये आ गया। अब बेस प्लेट 2 है इसकी, ये थकने से इसमें कुछ लेंथ बन आएगी भी, तो ये बेस प्लेट हो गया। अब हम लोग यूनिट प्लेट देखेंगे स्टील टेबल के अकॉर्डिंग, ये स्टील टेबल है जिसका हम लोगों ने इंजीनियरिंग में यूज़ किया था, पढ़ा होगा इंजीनियरिंग में इसे स्टील टेबल को, इसे ही कैलकुलेट करेंगे, जैसे जो अपना PGR फैब्रिकेट हुआ है जिस भी सेक्शन से, वो इस स्टील टेबल में सेक्शन नहीं है, तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं इसका इंडेक्स दिखा दे रहा हूँ, ये कंटेंट इंडेक्स है, इसमें मैंने ढूंढा था नहीं मिला था मुझे, जो अपना हॉलो स्क्वायर बार है, सॉलिड स्क्वायर बार इसमें मिल रहा था, ये राउंड बार लिखा हुआ है,
ये स्क्वायर बार लिखा हुआ है 73 केस पे, तो यहाँ पे मुझे सॉलिड मिला था, हॉलो स्क्वायर बार नहीं मिला था। अगर आपको मिल जाता है तो कमेंट में बता दीजिएगा कहाँ पर है, देख लूँगा। ठीक है, अब स्टील टेबल में तो नहीं है, तो अब हम लोग स्टील टेबल कैलकुलेटर आता है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, और मैं लिंक से डायरेक्ट आप एसेस कर सकते हैं स्टील टेबल कैलकुलेटर। ठीक है, और इसका स्टील टेबल का भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे आपको आसानी से स्टील टेबल भी आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने स्टील टेबल कैलकुलेटर है, इसमें हमारे जो भी सेक्शन है वो पहले से क्लिक करके रखा है, हॉलो स्ट्रक्चर सेक्शन। ठीक है, हॉलो स्ट्रक्चर सेक्शन स्क्वायर का, तो ये पहले से करके रखा है। तो हम लोग पहला देखते हैं V1 का क्या सेक्शन था। V1 50x50 3.2 mm, तो सबसे पहले साइड डाल देते हैं, साइड हमारी है 50 की, थिकनेस है 3.2 mm, और 1 मीटर लेंथ चाहिए, 4.56 kg इसमें बता दिया, 4.56 kg लिख लेते हैं। अगला सेक्शन है 25.4 और 3.25 थिकनेस है, तो 3.25 थिकनेस लिख लेते हैं यहाँ पे, और ये 25.4, ये पॉइंट पे नहीं रहता है, ये होल नंबर लेता है, होल नंबर 25 दे दिया मैंने। ठीक है, इसका रहा 2.08, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2.08। नेक्स्ट है सेम ऊपर वाला ही है, इसको लिख लिया, और अब आते हैं H2 है 38 3.25 2.25 सेम रहेगा, 38 लिख लेते हैं, इसका दे दिया इसने 3.4 kg, यहाँ पे लिख लेते हैं यूनिट 3.4 kg पर मीटर दे रहा है। अब हमारा आ गया थिक, बेस प्लेट थी, थिक प्लेट में मिलेगा, ये दिया शीट, स्टील शीट एंड प्लेट्स, तो स्टील शीट एंड प्लेट्स पे क्लिक करेंगे, ये आ गया। अब इसमें थिकनेस पूछ रहा है, तो हमारी 4 mm की प्लेट है, विड्थ इसकी 100 mm है, लेंथ भी इसकी 100 mm है। ये पूछ रहा है कितने पीस देखना, 2 पीस है, वैसे हम लोग यूनिट वेट ले रहे हैं तो सिंगल पीस का ही लेते हैं, 0.31 kg, तो ये 0.31 kg यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया। तो हमने स्टील टेबल कैलकुलेटर से सारे यूनिट वेट लिख लिए हैं, ये सारे यूनिट वेट है, यहाँ पे देख रहे हैं लेंथ हम लोगों ने mm में लिखा हुआ था वहाँ से निकाल के, तो इसको मीटर में कर लेते हैं, लेंथ की यूनिट जो है वो मिनट मीटर लिख लिया, मीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड है, तो टोटल लेंथ में ही कैलकुलेट कर लेंगे मीटर में, तो 2 नंबर इंटू जो हमारा लेंथ आया है वो डिवाइड बाई 1000, ये मीटर में हो गया, सारे आ गए। ठीक है, बता देते हैं टोटल वेट क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेट, यहाँ पे एक पीस का 0.31 लिया था, 2 पीस है, टोटल वर्टिकल वेट जो आ रहा है हमारा फैब्रिकेटेड PGR का, देख लेते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, ये हो गया 47.28, इसके अकॉर्डिंग आ रहा है वर्टिकल वेट 7.2। ठीक है, अभी जो आ रहा है वो आ रहा है, ये हो गया मेरा टोटल वेट। ओके, देखो छूट तो नहीं रहा अपना, ये पूरा यही हो गया, ये हमारा मेथड बंद हो गया थ्योरेटिकल वेट कैलकुलेट करने का, वो लोग देखेंगे मेथड। ठीक है, ये तो उसको हम लोग ऊपर लिख लिख लेते हैं मेथड बंद। ठीक है, मेथड टू कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं मेथड टू देखते हैं क्या है, उससे कैलकुलेट करते हैं हमारा वेट कितना आता है मेथड टू। तो फिर मेथड टू में यूज़ करूँगा स्टील की डेंसिटी और जो वॉल्यूम है हमारा फैब्रिकेटेड PGR में स्टील का, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास सेक्शन तो सारे आ ही गए हैं, ये सारे सेक्शन ले लेते हैं,
स्किलिंग की जरूरत पड़ेगी। ये हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब और क्या चीज़ चाहिए? यही। इसके बाद हमें चाहिए होगा सेक्शनल। देखिए ये एरिया आ रहा है 596.84 कर लिया है। देख लेते हैं तीन एम एम का डिफरेंस आया। इससे पहले मैंने निकाला तो उसमें 3 mm ज़्यादा था, 599 था। एरिया हो गया सेक्शन को बोली थी। ऐसे ही सारे सेक्शनल एरिया को हम लोग अपना एंट्री कर लेते हैं एक्सेल शीट में जहाँ पे टेबल बनाई हुई है। ये 50 का है, 599 25 वाला का है, 287, ये 451, ये सब हम लोग यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। 50 वाले का था 599, 25 वाले का तो 287, और इसका भी 599, इसका था 457, ठीक है। और इसका भी निकाल लेते हैं हम लोग 100 by 100 by 4, इसका हो गया को सेक्शनल एरिया, सॉरी क्वेश्चनल एरिया, उसका हो गया 104, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका हो गया, ठीक है, बेस प्लेट का, ठीक है। अब हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं। लेंथ भी mm में है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी स्क्वायर mm में है, ये हमारा क्यूबिक mm में इसकी वॉल्यूम आ गया, ठीक है, क्यूबिक वॉल्यूम में इसका वॉल्यूम, क्यूबिक mm में इसका वॉल्यूम आ गया। अब स्टील की डेंसिटी आपको मालूम ही है, नहीं मालूम है तो आप देख लीजिएगा, 7850 kg पर मीटर क्यूब होती है स्टील की डेंसिटी, मल्ड स्टील की डेंसिटी। ये मैंने डेंसिटी यहाँ पे लिख लिया। अब वेट का मल्टीप्लाई
डेंसिटी में डेंसिटी का मल्टीप्लाई वॉल्यूम में करेंगे तो वेट निकल आएगा, लेकिन ये वॉल्यूम जो है वो क्यूबिक मीटर एमएम में है, इसको क्यूबिक मीटर में पहले बनाना होगा। क्यूबिक मीटर में बनाने के लिए 10^9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये क्यूबिक मीटर में आ जाएगा। तो हम लोग टोटल वेट में ही सारा कैलकुलेशन लगा देते हैं, पहले इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं अपनी डेंसिटी से और उसको डिवाइड करा देते हैं 10^9 से, ठीक है। अब एक्सेल में देख लीजिएगा फॉर्मूला कैसा मैं लगा रहा हूँ, वो आपको आगे बहुत काम आएगा। ये हो गया, लेकिन ये कितने है? ये तो एक मेंबर का निकला ना, टोटल नंबर तो दो हैं, दो मेंबर है, तो इस नंबर का भी मल्टीप्लाई करा लेते हैं हम लोग। यहाँ पे दो नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करा लिया, तो ये आ गया हमारे पीजीआर में इस मेंबर का जितना वेट है अकॉर्डिंग टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अभी टोटल वेट जो निकला है उसको टोटल कर लेते हैं, ये हो गया हमारा टोटल वेट। डिफरेंस तो इस 47.28 केजी निकला है, ये 49.76 निकला है। जो हम लोगों ने पार्ट वन में थ्योरिटिकल एक्चुअल वेट कैलकुलेट किया था उसमें भी 49 के अप्रॉक्सीमेट ही आ रहा था, उसकी वो भी शीट अभी खोलेंगे देख लेंगे तो अप्रॉक्सीमेट आ रहा था। तो यानी कि हमारा ये मेथड सही है क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला, लेकिन अभी दिक्कत इसमें कहाँ से हो गई, जो हम लोगों ने स्टील टेबल के अकॉर्डिंग निकाला है वो भी मिला लेते हैं, थोड़ा सा चेक करते हैं। ये पहला वाला 13.31, दूसरा वाला 13.73, 400 का डिफरेंस कुछ नहीं, 16 ये भी है, 17 ये भी है, ये इसमें 1.5 किलो का डिफरेंस आ रहा है। ये 17.5 kg है, ये 16 kg 100 ग्राम के करीब है, इसमें डिफरेंस आ रहा है। इसका डिफरेंस देखिएगा, याद कीजिए जब मैंने पार्ट वन बनाया था तो उसमें 25.4 था, 0.4 वो जो स्टील टेबल कैलकुलेटर था उसने 0.4 नहीं लिया था, उसकी वजह से देखिए ये 1.5 किलो का डिफरेंस आ रहा है, और यही डिफरेंस हमारे यहाँ पर भी टोटल में भी वर्क कर रहा है। तो यही एक डिफरेंस है जो वर्क कर रहा है, बाकी एक्चुअल वेट हम लोग देख लेते हैं जो हम लोगों ने निकाला हुआ है, ठीक है। ये अपना एक्चुअल वेट जो पार्ट वन में निकाला था, ठीक है, 49.22, 50, अभी भी हम लोगों ने ये भी निकाल लिया, ठीक है, ये थ्योरेटिकल वेट निकाल लिया, अभी चारों को कंपेयर करेंगे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग सारे वेट को जितना भी वेट कैलकुलेट किया है वो सबको एक जगह पे लिख लेते हैं, एक्चुअल मेथड वन, एक्चुअल वेट मेथड टू, थ्योरेटिकल वेट मेथड वन, थ्योरेटिकल वेट मेथड टू। जो कि अभी एक्चुअल वेट मेथड वन में कितना आ रहा था, ये भी आ रहा है, ठीक है, 49 दोनों को कॉपी करेंगे, एक साथ कॉपी कर लेते हैं, 49.22 50.42 एक्चुअल वेट आ रहा था, 49.42 और हमारा एक्चुअल वेट हो गया ऊपर, थ्योरेटिकल वेट है 47.28, 47.28 क्यों है आपको पता ही है, हम लोगों ने 25.4 लिया था, ये वहाँ पर कैलकुलेटर ने नहीं पकड़ा था 0.4, इसकी वजह से इतना डिफरेंस आ रहा है, अप्रॉक्सीमेट वो भी 49 के करीब आएगा, ठीक है। अब हमें कौन सा वेट पकड़ना है अपनी बिलिंग के लिए, या अगर आप एज अ कॉन्ट्रेक्टर हैं मैक्सिमम वेट पकड़ के ही अपनी बिलिंग करेंगे, एज अ क्लाइंट है तो हम मिनिमम पकड़ेंगे जो एज पर वर्क ऑर्डर होगा कॉन्ट्रेक्टर को, उसके अकॉर्डिंग उसमें लिखा ही होता है जो भी मेजरमेंट होगी वो थ्योरेटिकल और एक्चुअल विच इज लेस, उसके हिसाब से बिलिंग होगी, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं मिनिमम कौन सा आ रहा है और मुझे देखते रहिएगा, ये आपके आगे काम आएंगे जो भी मैं एक्सेल का यूज़ कर रहा हूँ, जब से आता मिनिमम वो इसने दे दिया, ठीक है, ये मिनिमम वेट है, इसके अकॉर्डिंग इसकी बिलिंग होगी। अगर हम इस वेट को हटा देते हैं, सपोज कीजिए अभी ये यहाँ पे तो गलत हो गया था थोड़ा, इसलिए ऐसा आ रहा है, इसमें 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 हमारा एक्चुअल वेट निकलता है जो एक्सेप्टेबल है वो 49.46 है,
एक्चुअल बट ये सूटेबल है कि इसमें क्या होता है, एक्चुअल हम लोगों ने फैब्रिकेट किया, इसमें रॉड आती है बिल्डिंग रॉड, उसका भी वेट आता होगा वो आती है। फिर अब कोई बोलेगा वेल्डिंग रॉड आती है तो उसके अगेंस्ट में अगर जो क्लाइंट होगा वो बोलेगा कि बर्निंग लॉस भी होता है, जो मटेरियल बर्न होता है पिघलता है वो लॉस भी तो होता है, तो उसके हिसाब से वो दोनों इक्वल होके जीरो हो जाते हैं, उसको जीरो मान लेते हैं, जितना हमने यूज़ किया वेल्डिंग रॉड और जो बर्निंग लॉस आया वो सब जीरो हो गया। तो अभी हम लोग अपनी वीडियो से कंप्लीट करते हैं, आप लोगों ने सारी चीज़ें देख ली, जाके पार्ट वन भी देखिए, उसमें भी एक्चुअल वेट निकाला हुआ है, उससे पहले एक वीडियो और बनाया था उसमें कंप्लीट थोड़ा सा ब्रीफ दिया था पीडीआर के बारे में। बाकी अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।